सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन इन्फॉर्मेशन को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडमिशन इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कौन कौन से करियर एस्पेक्ट हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो, ये ट्वेल्थ के बाद एकेडमिक यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो ये है कॉम्पिटेटिव और गवर्नमेंट एग्जाम, और थोड़ा और नीचे जाएंगे तो टीचिंग में। तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए होगा या उन छात्रों के लिए होगा जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, ट्वेल्थ में है, इलेवंथ में है, टेंथ में है, और उनको यह पता नहीं है कि आगे उनका क्या करियर ऑप्शन होने वाला है। तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक परफॉर्मा तैयार रखा है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेकर और टॉप के लेवल की बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो होगी ये तीन पार्ट में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद जो है एकेडमिक में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरे वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि जब आप लोग ट्वेल्थ कर लेते हो उसके अंतर्गत कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप लोग अपने करियर को आप चुन सकते हो। फिर तीसरे में बात करेंगे टीचिंग लाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपके सामने एक परफॉर्मा जो है फ्लो चार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, जो डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर इंटरमीडिएट, ये एकेडमिक के लिए है। मतलब ये कि अगर आपने ट्वेल्थ जो है साइंस से किया है, आपका ट्वेल्थ जो रहा है साइंस बैकग्राउंड से रहा है, ठीक है, या तो आर्ट्स बैकग्राउंड से रहा है या तो फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा है। अब तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हैं। अब साइंस के अंतर्गत भी दो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, एक हो जाता है PCM, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और दूसरा फील्ड होता है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और तीसरा जो फील्ड होता है वो बेसिकली CBSE में होता है PCBM, ठीक है। इनके पास सारा सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी भी होता है, मैथमेटिक्स भी होता है। अभी जो आप लोग थोड़ा सा देखो, आप जिस भी फील्ड से होगे तो आपके लिए एक जो है इसमें एक चीज़ एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो आप लोग कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, एकेडमिक में। मतलब जो है कि अगर आपने ट्वेल्थ तक पढ़ाई कर ली तो आगे और अपने पढ़ाई को बिल्कुल आगे लेके जाना चाहते हो तो क्या क्या आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक लेवल की बात करें तो जो डिग्री कोर्स होता है, अब डिग्री कोर्स क्या होते हैं, जो बैचलर कोर्सेज होते हैं, ठीक है, बैचलर कोर्स जो होता है मिनिमम होता है 3 ईयर का होता है, ठीक है, और मैक्सिमम जो होता है वो 5 ईयर का होता है। अब एक कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप लोग कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे, जब भी मैं बताऊंगा, आप जैसे आर्ट देख रहे हो, साइंस देख रहे हो, ठीक है, तो मैं बताता चलूँगा कि हाँ ये कितने साल का एक कोर्स होता है। अब सबसे पहले आप देखो, अगर आप ट्वेल्थ क्लास में साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो मिनिमम होती है आपके जो ग्रेजुएशन करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ट्स। तो आर्ट्स के अंतर्गत बेसिकली BA होता है और BA के बाद मास्टर्स के लिए MA होता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक ऑप्शन है, अगर आप ट्वेल्थ कर चुके हो, ट्वेल्थ पास आउट हुए, तो आप लोग आर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आर्ट कौन लोग करते हैं, BA कौन लोग करते हैं, अब BA वो लोग करते हैं या तो आगे जो चल के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, देखो या तो आगे चल के वो टीचर बनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फील्ड में, ठीक है, या तो वो लोग आगे चल करके लाइक अपने कंटिन्यू, मतलब जो स्टडी है उनकी बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, NET JRF जाना चाहते हैं, वो लोग BA और MA का ऑप्शन चूज करते हैं। या जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, बहुत ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए भी BA का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए बेसिकली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो बैचलर डिग्री चाहिए होती है। ये तो एक हो गया BA और MA। अब दूसरा जो है साइंस, अगर आप लोग ग्रेजुएशन करते हो तो साइंस के अंतर्गत BSc और MSc आता है। अब BSc और MSc में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट भी बता देता हूँ इसमें आपको, मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, स्टैटिक्स होता है, स्टैटिक्स से भी आप लोग BSc कर सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी होता है, ठीक है, उसके बाद से मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी मैंने बता दिया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, लाइफ साइंस होता है, बहुत डिफरेंट कुछ अनगिनत कोर्सेज हैं, ठीक है, गिनाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अब वो भी कौन लोग ऑप्ट करते हैं, लाइक जो आगे चल के रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, या तो टीचर बनना चाहते हैं, टीचर का एज करियर ऑप्शन लेते हैं, उनके लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है BSc और MSc करके निकलना। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड में बेसिकली होता है BCom और MCom। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे BCom और MCom से हो रहा होगा। तो BCom और MCom कौन करते हैं,
अब इसमें भी दो तरह के कैटेगरी होती हैं, या तो लोग पहले जो है जो मैनेजमेंट होते हैं ठीक है, या तो उसमें जाना चाहते हैं, या तो मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या तो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो जो है बीकॉम या एमकॉम कर लेते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ठीक है। अब उसके बाद से देखो आती है मैनेजमेंट। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो हो सकता है। देखो मैनेजमेंट ठीक है, अब मैनेजमेंट के अंतर्गत भी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है होटल मैनेजमेंट और एक आता है बीबीए या एमबीए। अब बीबीए क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। और उसके बाद से मास्टर डिग्री करने के लिए इसमें भी एमबीए करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। और जो होटल मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है वो अलग से होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो अलग से होती है, मैनेजमेंट के अंतर्गत भी एक कैटेगरी है तो वो होटल मैनेजमेंट कहलाती है। उसके बाद से करियर ऑप्शन में आप लोग एज अ लॉ स्टूडेंट, जैसे मान लो आप लोग लॉयर बनना चाहते हो ठीक है, तो आप लोग के पास लॉ का ऑप्शन एक ओपन हो जाता है ट्वेल्थ करने के बाद। ट्वेल्थ मैटर नहीं करता है आप लोग साइंस से हो या आर्ट्स से हो या ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कोई भी डिपेंड नहीं करता है, आप किसी भी साइड से हो ठीक है, तो आप लोग लॉ कर सकते हो। अब लॉ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो लॉ के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं बेसिकली, या तो आप लोग क्लैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो ठीक है। क्लैट का एग्ज़ाम जो होता है, यहाँ पे देखो ये 5 ईयर दिया हुआ है, 5 ईयर का मतलब ये हुआ ये इंटीग्रेटेड कोर्स है ठीक है। अब इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है, बेसिकली इसमें बीए और एलएलबी साथ में होता है, आप लोग नाम सुने होंगे बीए एंड प्लस एलएलबी, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स ठीक है। तो ये जो कोर्स होता है वो 5 साल का होता है, एक ही में होता है, और क्लैट के एग्ज़ाम के थ्रू आप लोग अच्छे लॉ स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग एलएलबी कर सकते हो 3 ईयर का, अब एलएलबी 3 ईयर का आप लोग कर सकते हो, ये भी लॉ के अंतर्गत आता है ठीक है। अब लॉ के अंतर्गत ये चीज़ें होगी। अब बेसिकली जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं ठीक है, जो होते हैं वो चाहते हैं अपने आप को सेटल करना, तो बेसिकली मैंने देखा है वो या तो कंप्यूटर फील्ड में जाते हैं, या तो मेडिकल फील्ड में जाते हैं, या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। अब इंजीनियरिंग फील्ड में अगर जाते हैं तो आप लोग आईआईटी प्रीफर करते हो ठीक है, आईआईटी प्रीफर करते हो। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आप लोग नीट के थ्रू निकाल करके, या तो फिर जिपमर निकालो, नीट निकालो, अब खैर अभी तो नीट हो गया है, तो आप नीट के थ्रू अच्छे अच्छे कॉलेज लाइक एम्स में जा सकते हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है मेडिकल फील्ड के लिए। या तो डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं ठीक है। अब डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज 2 ईयर ठीक है, या तो 3 ईयर का कोर्स होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे भी आप लोग, मैं थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले इंजीनियरिंग की देख रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन में कैसे जा सकते हो ट्वेल्थ के बाद। अब देखो इंजीनियरिंग लाइन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं ठीक है, एक पॉलिटेक्निक होता है और एक बीटेक होता है ठीक है, और एक आईटीआई भी होता है। तो पॉलिटेक्निक, आईटीआई और बीटेक, अब इसमें डिफरेंट क्या है, सबसे पहले डिफरेंट आप लोग समझ लो थोड़ा सा, मैं इसमें डिफरेंट बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जो पॉलिटेक्निक होता है ना, पॉलिटेक्निक ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी ऐसे फील्ड से होगा, जैसे किसी ऐसे ट्रेड से कराया जाएगा ठीक है, जिसमें बैचलर डिग्री यानी कि 3 साल का एक कोर्स होता है पॉलिटेक्निक का, जो बैचलर डिग्री बेसिकली रखते हैं उसको इसमें इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। आईटीआईज जो होते हैं उसके अंतर्गत डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, 2 ईयर के होते हैं ठीक है, या 1 ईयर के होते हैं, और या तो 3 ईयर के भी होते हैं। तो डिप्लोमा के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या तो बीटेक। अब ट्वेल्थ के बाद अगर आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, बहुत अच्छे अच्छे लाइक बीटेक करना चाहते हो, तो आपको कॉलेज वाइज प्रीफर करना पड़ेगा कि हाँ मैं किस कॉलेज में जाऊँ ठीक है। तो अगर आप लोग ट्वेल्थ कर चुके हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके सामने ऑप्शन होता है आईटीआई का, पॉलिटेक्निक का और बीटेक का। अब बीटेक की जो फीस है वो काफ़ी हाईली लगती है, आईटीआई की थोड़ी कम लगती है, पॉलिटेक्निक की और भी कम लगती है अगर आप लोग गवर्नमेंट से कर रहे हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है, कि आप लोग किस फील्ड में जाना चाहते हो और इंजीनियरिंग के अंदर भी किस फील्ड में जाना चाहते हो। अब इसके बाद से अगर हम बात करें कंप्यूटर फील्ड में, तो कंप्यूटर फील्ड में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, बीसीए और एमसीए ठीक है। अब बीसीए के अंतर्गत देखो ये चीज़ें जब मैं बता रहा हूँ ना, प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं, ऐसे तो आप डिप्लोमा वगैरह कहीं से भी ले सकते हो, लाइक एडीसीए का कोर्स हुआ ठीक है, डाटा एंट्री का कोर्स हुआ, या तो फिर वेब डिजाइनिंग का कोर्स हुआ, ये तो आप लोग कर सकते हो। लेकिन बैचलर जो डिग्री होती है कंप्यूटर के फील्ड में वो होता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन।
अब इसके अंतर्गत क्या होता है, बेसिकली अगर आप लोग कंप्यूटर के फील्ड में अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हो तो आप लोग BCA से स्टार्ट कर सकते हो। ये बेसिक लेवल है, ठीक है। 12th के बाद BCA करो और उसके बाद से आपको धीरे 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 आइडिया मिलता जाएगा कि हाँ आपको आगे क्या करना है उस फील्ड में। और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन है अभी तो, क्योंकि अभी जो डिजिटली ज़माना चल रहा है, ठीक है। तो मैं एज जैसे स्टूडेंट देखता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, मैं प्रोफेशनल कोई टीचर नहीं हूँ। मैं अगर देखता हूँ तो हाँ, कंप्यूटर का जो आगे की फील्ड में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप होने वाला है, बहुत ही उसमें करियर होने वाले हैं। ये चीज़ होगी कंप्यूटर की फील्ड में। अब मेडिकल की फील्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मेडिकल के फील्ड में बेसिकली MBBS, ठीक है, ANM, GNM। अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने और भी चीज़ें इंक्लूड नहीं की, इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बहुत सारे, ठीक है, ऐसे एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब MBBS क्या होता है, MBBS जो होता है वो नीट के थ्रू निकाल करके लोग जाते हैं, ठीक है, नीट के थ्रू जो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो MBBS होती है। नीट के थ्रू आप इसमें एंट्रेंस ले सकते हो, ठीक है। आपने अगर आपके घर में कोई हो तो आपको पता होगा कि हाँ, नीट के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। अगर मेडिकल में आप थोड़ा और भी नीचे जाना चाहते हो, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, तो क्या चीज़ है, आप लोग बी फार्मा कर सकते हो, ठीक है, बी फार्मा, ठीक है, डी फार्मा कर सकते हो। और यही नहीं, अभी और सुनिए आप लोग, बी फार्मा, डी फार्मा, ठीक है, या तो बीएससी नर्सिंग, ये चीज़ होगी थोड़ी प्रोफेशनल चीज़ में आती हैं, या तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग डिप्लोमा होता है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का, ANM, GNM हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, DMLT हो गया, ठीक है, या तो जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं, OT बोलते हैं, वो हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, हर एक चीज़ का अलग अलग फील्ड होता है। अगर आप लोग चाहते हो इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, अगर क्योंकि ऐसे जब आप लोग बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग की रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो मैं एक मोटा मोटा एक परफॉर्मा दे दिया हूँ आप लोग को, ताकि जो है आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ 12th के ऑप्शन कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं एज एकेडमिक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं बताऊँगा आपको कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो होते हैं कौन कौन से आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब है कि अगर आप 12th पास किए और आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग कौन कौन से एग्ज़ाम को दे सकते हो। बड़ा ही लेंदी हो जाता है जब वो एक एक लोग कन्फ्यूजन जो हो जाता है ना, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि यार कौन कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं सारा जो डिटेल में यहाँ पे एक बन रखा है, तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करना, इस वीडियो के बाद जस्ट अगला वीडियो में बना दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को बहुत अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर करो, लाइक करो, फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर करो। मिलेंगे ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।